जिनी क्या मेरे साथ, मतलब जिनी के पापा के साथ? जिनी तू ऐसा कैसे कर सकती, तू दिन रात तेरे लिए इतना कुछ करते हैं, जिनी मतलब तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पापा आप खुद ही कह रहे हो आप मेरे लिए इतना सब करते हो, आप एक दिन के लिए आप मेरी भी तो सुन सकते हो ना? नहीं जिनी, लेकिन वो एक दिन तो कल है, ये मतलब तेरे को बीच रास्ते में क्या याद आ गया? पापा कभी आप मेरे साथ तो ऐसा करते नहीं हो। हाँ ये क्या है, अब क्या करें, अब जिनी का तो बर्थडे है, उसकी माननी तो पड़ेगी हमें। जिनी मतलब तेरी डिमांड कुछ ज्यादा है या कम है? वो तो चैलेंज के रहते पता चलेगा। चलो फ्रेंड आज तो बजने वाली है मेरी बैंड, तो आज हम आपको भी लेके चलते हैं कि देखते हैं कि पापा ध्वनि और मम्मी की कैसे बैंड बजाती है जिनी। आप लोग रेडी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज तो हमें बहुत जरूरत है और कल है जिनी का बर्थडे। तो फ्रेंड यहाँ पे अब ये हमें जिनी ले आई है एक मॉल में, और इसको ये था मतलब कि मुझे शॉपिंग करा दो, मतलब मजे करा दो। और फ्रेंड ये हालत तो तब है जब हम बर्थडे से पिछले दिन यहाँ पर आए हैं। तो जिनी आपको मतलब क्या क्या खरीदना है यहाँ से? मुझे ना बहुत कुछ खरीदना है यहाँ से। कुछ तो होगा कुछ माइंड में, मतलब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और बहुत सारी शॉपिंग। इसका मतलब तुम्हारा ये पर्स खाली करने वाली है क्योंकि मैं तो पर्स लाया नहीं हूँ। तुम देखो कितना बड़ा पर्स लेके आई हो। बट बेटा सेइंग यस है तो हम पे थोड़ी सी कृपा रखी हो। मगर क्यों देखते हैं। और ध्वनि मतलब तेरे को कैसा लग रहा है, मतलब जिनी अपने लिए सेइंग यस कर रही है, तू भी अपने बर्थडे पे कुछ ऐसे ही प्लान करेगी? यस मैं इससे अच्छा प्लान करूंगी। देखो इसने भी यस बोल दिया, आप तो ये भी मेरी सारी बात मानेगी। फ्रेंड देखो हम फ्रेंड देखो हम थोड़े से पैसे लेके आए हैं क्योंकि मॉल में खर्चा ज्यादा पड़ जाता है। तो जिनी मतलब आप रेडी हो ना? मैं तो पूरा रेडी हूँ, ये बताओ आप लोग रेडी हो? फ्रेंड देखो हम रेडी है, तो चलो अब हम चलते हैं, आओ। हाँ भाई जिनी, अब क्या प्लान है आपका? एंट्री ले ली है ना, तो कुछ शॉपिंग के लिए चले? मतलब मॉल में लेती तो थक गई? हाँ मैं आती थक गई, मैं तो थक गई भाई। एंट्री लेते ही तू थक गई है। कॉफी पीऊंगी। कॉफी 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 तो ना, वैसे ना मम्मी घर में बहुत अच्छी बनाती है, तू जाके बना दो। स्टारबक्स सुनो, पहले कुछ शॉपिंग कर लो उसके बाद आप कॉफी पी लेना। क्या मम्मी मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको क्या बोला था? यस बोला ना वो? हाँ तेरे को पीने स्टारबक्स कॉफी? यस 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 बोलेगी। चले भी साथ कॉफी पीने? तो चलो। तो यहाँ पे आ गई है मेरी कॉफी, और ये मैंने ली है कोल्ड। इसका नाम क्या है जिनी? पापा इसका नाम है रेड रेड। फ्रेंड इसका नाम है रेड वेलवेट करके कुछ है, और मेरे को तो मतलब सर्दियों में ये पीने में बड़ा मजा आता है। और फ्रेंड कमाल की बात ये देखो। हाँ, मेरा कहाँ है, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, मेरा तो। फ्रेंड देखो मेरे को जिनी ने मना कर दिया था कि मम्मी को मैं कुछ नहीं लेने दूंगी क्योंकि मम्मी मतलब मेरे साथ भी चैलेंज ऐसे ही करती है। और जिनी बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मम्मी ना हमें इतना मतलब घर का खाना खिलाती है और हमें बाहर का खाने नहीं देती है, तो आज ये मेरा चैलेंज है और मम्मी आज बाहर का नहीं खाएंगे। सेइंग यस टू मम्मी होने दे, फिर मैं बताती हूँ तुझे, तू होने दे सेइंग यस टू मम्मी। फ्रेंड आप लोग ना कमेंट करो कि कौन कौन चाहता है कि से यस टू मम्मी करें, और हम उसमें यही रखेंगे कि जिनी को तो खानी है मटर या की सब्जी। कौन कौन ये चाहता है कि सेइंग यस टू ध्वनि करे? ठीक है ठीक है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक कमाल की बात दिखाती हूँ, मैंने ना अपनी कॉफी में तो जिनवानी लिखवाया है, सबकी कॉफी में जिनवानी लिखवाया है मैंने। ये देखो सेइंग यस वाला ना पूरा ये लुफ्त उठाने वाली है, और इसने मम्मी को भी कॉफी नहीं पिलाई। और फ्रेंड देखो मतलब जिनी पिलाए ना पिलाए, जिनी ने मुझे कॉफी दी है तो मैं इसे मम्मी के साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू, ठीक है ना? देखा ये होते ना, क्योंकि फ्रेंड हम तो जन्म जन्म के साथ ही है। कब हो गया ये? अब देखो जिनी का फेस। गलत बात है। फ्रेंड देखो इसने मुझे तो कॉफी दिलाई दी है, तो अब वो तो मेरी है, मैं जिस मर्जी को दे दूं। एग्री ना? मैं भी इस बात में दीदी के साथ नहीं चाहती, मैं भी अपने कैपेचिनो मम्मी को शेयर कराऊंगी। अब देखा फायदा हो गया, तू मत दिला बेटा, तू मत दिला, मेरे पास दो फायदे हो गए। एक काम करती हूँ, ली आती हूँ मम्मी के लिए। अब हम लोग शेयर करके करेंगे। थैंक यू सो मच। कॉफी तो शेयर नहीं होगी ना? बहुत तेज हो रहा है। हाँ भाई जिनी। हाँ पापा। तेरे को मतलब स्टारबक्स की कॉफी मजा आ गया? मजा आ गया। तो अब फिर घर चलें? घर मतलब क्या, अभी पूरा मॉल हम घूमेंगे। ये तू पूरा मॉल घूमेगी अभी पूरा मॉल घूमेगी। हाँ कृष्णा तुमने ये सही कहा। जिनी देख अब हम तेरी बात मानेंगे, हम पूरा मॉल घूमेंगे। धोनी तू रेडी है ना? हाँ, पूरा मॉल घूमेंगे।
ध्वनि जीनी देख तो पूरा मॉल घूमेगी लेकिन कुछ खरीदेगी नहीं। अब हमने तेरी यस वाली बात करी है। मैं बोल रहा हूँ अभी बोला कि मुझे पूरा मॉल घूमना है, अभी इसने यही बोला करे बिल्कुल है ना। हम मतलब तेरी हर बात मानेंगे। पूरा मॉल घूम, अरे बात तो सुना करो, पूरा मॉल घूम घूम कर जितनी शॉपिंग करनी होगी मैं उतनी करूंगी। और आप लोगों को क्या बोल रहा है फ्रेंड? देखो हम ना ये पूरा मॉल घूम घूम के इसे शॉपिंग के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू दिलाएंगे। ये देखने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। बाबा जरा बोलना यस यस बाबा जी का ठुल्लू। चलो बाबा जी का ठुल्लू। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे जिनी के बर्थडे पे yes. कौन मिल गया जिनी? है रोनाल्डो। रोनाल्डो आप मतलब सबको कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड देखो अभी इसने बोल दिया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड पे क्लिक करके ग्रे कर दो, क्योंकि अब तो रोनाल्डो ने भी कह दिया, एक बार फिर वो कहेगा। सुना ना फ्रेंड्स? तो अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। जिनी अब हम यहाँ पे चल रहे हैं फॉरएवर 21 पे, ठीक है? फॉरएवर 21 पे, लेकिन हम जा क्यों रहे हैं? तू तो अभी शायद 13 की होगी ना? कुछ भी फॉरएवर 21 यानी फॉरएवर 21 मतलब 2021 चल रहा है। तो एक काम करते हैं 22 पे, तो तू आएगी नहीं यहाँ पे? 22 पे आऊंगी, अभी 22 ही तो चल रहा है। चलो शॉपिंग करते हैं। जिनी तेरे कुछ पसंद आया? बहुत कुछ पसंद आ रहा है। बहुत कुछ। फ्रेंड देखो ये इसको छोटी सी टी शर्ट पसंद आई है। मतलब जिन्हें विंटर्स आ रहे हैं तो ये छोटी सी टी शर्ट पहन के कहाँ जाएगी? इस टाइप की जैकेट समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? जिन देख जो मैं समझ रहा हूँ ना, वो ये समझ रहा हूँ की ये लोग ना हैंगर में लगी ज्यादा अच्छी लग रही है, तेरे ऊपर उतनी अच्छी लगेगी। क्या बात कर रहे हो बाबा, हैंगर क्या मुझसे कम है? मतलब मैं हाँ, मुझसे कम हूं? फ्रेंड मैं चलो इससे मतलब मम्मी से पूछता हूँ। मम्मी आप बताओ। हाँ जी। मतलब आपको क्या लगता है कि ये हैंगर पे ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, जिनी पे भी अच्छी लगेगी। गजब बेइज्जती है। लो जी कल लो बात। हाँ धोनी आप बताओ। जिनी दीदी पे ज्यादा अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे ना मैं फंसता हुआ जा रहा हूँ। जिनी कैसे लग रही है? ये देख धोनी अच्छा नहीं लग रहा ना? देख मुझे तो ज्यादा हैंगर्स पे अच्छा लग रहा था, तुम बताओ। अच्छा लग रहा है यार, मुझे अच्छा लग रहा है। फ्रेंड मतलब बताओ ये सब ना मतलब मेरी जेब ढीली कराने में लग गए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जेब ढीली वो थी, जैकेट का क्या हुआ? जैकेट था। चलो ये सही है, मैं जैकेट के पैसे तो बचे। तो मतलब तू ये दोनों चीज लेने वाली है? यस मैं दोनों चीज। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि ये वाली ड्रेस इसको बर्थडे पे पहननी चाहिए या फिर और कोई हम करें, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, ये हमारी सिर्फ फर्स्ट है अभी। कृष्णा यार देखो अब जिनी ने हमारे यहाँ पे कितना खर्चा करा दिया है। जो भी है अब करना तो पड़ेगा, बर्थडे है। बात तो सही है जिनी, मतलब हाँ। एक बात बता, तेरे को पापा पे बिल्कुल रहम नहीं आता? बिल्कुल आता है पापा, तभी तो मैंने ये चैलेंज करा है कि देखो पापा फिर आप मेरे लिए गिफ्ट्स लाओगे, उससे बेटर है कि आप ये कर लो। बेटा हम तेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं मैक्सिमम 999 रुपए का, और यहाँ से जो भी चीजें लिए ना वो कोई भी 999 से कम की नहीं है। अब वो तो चैलेंज है, तो चैलेंज है। धोनी एक काम करेंगे, नेक्स्ट बर्थडे पे ना जो जिनी के बर्थडे गिफ्ट हम खुद ही ले आएंगे। ठीक है आपको गिफ्ट मिल जाए। मतलब तूने यहाँ से शॉपिंग कर ली है, तूने लुटवा दिया है। अच्छा अब ये कोई तरीका थोड़ना है कि अब हमें एक और जगह चलना है। अब हमें एक और जगह चलना पड़ेगा। लेकिन जिनी देख तेरे को मेरी एक बात माननी पड़ेगी, उस बात को यस बोलना पड़ेगा। पहले तू मेरे को प्रॉमिस करके तू यस बोलेगी? पहले बार नहीं जी, नहीं देखो हमने भी आपकी बात मतलब गाड़ी में मानी ना, आपको भी एक से यस बोलना पड़ेगा। चलो आप नहीं एक सेकंड अभी कैसे तेरे सारे कपड़े वापस? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझ पे विश्वास रख तू। ओके चलो। तो जी देख तू ना कोई भी एक कपड़ों का शोरूम फाइनल कर ले, हम जरा एक ही कपड़ों के शोरूम में जाएंगे, वो तेरे को बात अब यस करनी पड़ेगी। देख यस बोलो। चलो ठीक है यस। तो अब तू बता तेरे को कहाँ पे चलना है, H&M चलना है या ज़ारा चलना है? ज़ारा। फ्रेंड्स ने ज़ारा बोला, अब हम ज़ारा पे चलेंगे, लेकिन ये बात भूल गए कि H&M में इसके पास ज्यादा ऑप्शंस होती है। तुम क्या कहते हो? H&M चलते हैं। ध्वनि उसका बर्थडे है, माननी पड़ेगी। H&M फ्रेंड मैंने H&M इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे सेल लग रही है। फ्रेंड्स मतलब ये कंफ्यूज है, अब बता कहाँ चलना है? ये सब दोगलापन है। हम अभी कहाँ चले फटाफट से सोच के बताओ। H&M चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं H&M।
जिनी जिनी एक बात बता, ये क्या चीज है? मुझे पता कैसे लग रहा है ऐसा, मैं बताऊँ क्या लग रहा है। ये मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे साइंस के प्रोजेक्ट नहीं होते थे जो हमें वो ये कहते थे कि भाई कुछ ऐसा बना के लाना चमकीला सा, जो वैसी चीज लग रही है। पापा को फैशन नहीं समझ में आएगा। जी नहीं, एक बात बताइए, ये स्कर्ट है? ये स्कर्ट है। फ्रेंड्स, इन्होंने ना मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया, मुझे लग रहा था पहले टॉप है। और कमाल की बात फ्रेंड देखो, ये रिसाइकल्ड पॉलिस्टर से बनी हुई है, मतलब रिसाइकल्ड सामान, वो भी पता नहीं कितने का, जरा देखते हैं। 2700 रुपये का रिसाइकल्ड सामान, मात्र 2700 रुपये। तो जिन्हें इधर अच्छा लग रहा है? नहीं ना, ठीक है फ्रेंड, इसे अच्छा नहीं लग रहा, हम और कोई चीज देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने H&M से भी शॉपिंग कर ली, और फ्रेंड H&M शॉपिंग करने में सबसे बड़ा मतलब फायदा और प्लस पॉइंट ये रहा कि यहाँ पे आइटम्स ना इसको कम पसंद आई। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? कोई नहीं, पर फिर भी मजा आया। मजा आया, अब हम चलेंगे गेमिंग जोन। और फ्रेंड्स हाँ, चलेंगे। और फ्रेंड देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मतलब ध्वनि और मैंने मिलके ली है, जो ध्वनि की सबसे फेवरेट है। तो ध्वनि दिखाओगे आप? फ्रेंड आप एक्साइटमेंट देख रहे हो? फ्रेंड ये देखो, फ्रेंड देखो, ब्लैक पिंक का बैग लिया है इसने। और ध्वनि मतलब तेरे को कैसे पसंद है और कैसे ढूंढा है तूने? ये एक्चुअल में क्या था, एक लड़की लगी हुई थी लाइक जिसको कपड़े नहीं बनाते, एक मॉडल लगी हुई थी और उसने ये पहन रखा था, तो हमने डमी पे से उतार लिया क्योंकि वहाँ पे और अवेलेबल ही नहीं था। तो ध्वनि मतलब आपको खुशी हुई है लेके? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी। मतलब मेरे को तो लग रहा है जितना जिनी ने मतलब सामान नहीं लिया उससे ज्यादा पसंद वाला सामान ध्वनि ले लिया है। ध्वनि मजा आया ना आपको? मुझे बहुत। आइटम ध्वनि ने एक लिए बट उसको पसंद वाली आइटम लिया। फ्रेंड्स अगर मुझे ना ये बैग इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं हूँ ब्लैक पिंक की बहुत बड़ी ब्लिंक। ओ फ्रेंड्स, तो चलें हम गेमिंग जोन की तरफ। चलो चलो। हाँ भाई धोनी जी, नहीं मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ये गेम में ना मतलब तुम्हें पता नहीं क्या मजा आता है, मतलब घर पे तुम कंप्यूटर पे भी खेलते हो, मोबाइल पे भी खेलते हो। फ्रेंड मतलब इनका तो मन ही नहीं कर रहा है चलने के लिए। ये लो गेम खत्म, अब नेक्स्ट पे चलें? हाँ, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐशना एक काम करते हैं, तुम मैं और ध्वनि गो कार्टिंग के लिए चलते हैं। एक सेकंड, आज का दिन आप ध्वनि और पापा आप लोग गो कार्टिंग नहीं करो। ये क्या तरीका? क्यों नहीं करें? हमारे पैसे हम गो कार्टिंग करेंगे। मैं मना कर रही हूं यहां पे से। यस, अगर मैंने कोई भी बात की आपको बस यस बोला है तो बस 31 एक शब्द बोलो। एक बात बताओ, मेरा बर्थडे पे तुमने दुबई में एक इतनी सी पेस्ट्री ला दी, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया और यहां पे तुम लोग ये कर रहे हो मेरे साथ? ये भगवान क्या जुलुम है। बोलो यस, बोलो यस। बोलो नो, बोलो नो, नो बोलो नो, नो बोलो नो। पानी तो आपकी ऐसी जाएगी, नो पानी नहीं जाएगी। यस यस, चल हम कर देते हैं। और जब हमारा बर्थडे आएगा हम भी तुझसे ऐसे ही कराएंगे। अब हम किसी और राइड पे चलते हैं और तू उसके लिए मना नहीं कर सकती। खैर तेरा देना, तो कुछ नहीं कर सकती। ये भी ठीक है, चलो। ध्वनि मैं तो गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है, तो तू असली की गाड़ी कब चलाएगी? चल छोड़ ध्वनि, एक बात बता, तू ये जो गाड़ी है ये तो असली गाड़ी कब चलाना सीखेगी? पता नहीं, तुझे नहीं पता। और जब तू बड़ी हो जाएगी, तू बड़ी कब होगी? जब मैं थर्टी, जब तू छोटी से बड़ी हो जाएगी, थर्टीन ईयर्स के बाद भी नहीं, 18 ईयर्स के बाद। ओके जिन्हें, तू क्यों नहीं गाड़ी में बैठी, तू ये बता। मैं इसी गाड़ी में नहीं बैठी क्योंकि छोटे बच्चे की गाड़ी है और वैसे भी इसमें सिर्फ एक ही जगह है। मैं छोटे बच्चे की गाड़ी है और मैं इस पे अपना कार्ड क्यों वेस्ट करूं? ये भी ठीक है, इस पे क्यों वेस्ट करूं? तो हम वो हेलीकॉप्टर वाले में चलें? हाँ चलो, चलो हेलीकॉप्टर वाले में चलते हैं। चले हेलीकॉप्टर वाले में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिनी अब देख, मैं तो बहुत थक गया, मुझे तो भूख लग रही है, तो उसके लिए यस कहेगी नो कहेगी मुझे बता दे यार तू। अभी भूख तो मुझे भी लग रही है, तो पहले हम खा लेते हैं। चलो भगवान ने मेरी सुन ली। हाय हाय, इतना सुकून, इतना टाइम हो गया भागते भागते, अभी तक लंच नसीब नहीं हुआ है। फ्रेंड्स इसके इसकी शॉपिंग, इसके यस 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 ने हमें भूखा रखा हुआ है। ध्वनि तेरे को भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। तो क्या खाने का मन है सबका? ये तो चुप हो गई है। मैं
प्रॉपर खाना खाऊंगी। ये प्रॉपर खाना खाएगी फ्रेंड, मुझे ना कमेंट करके बताओ कि इम्प्रॉपर खाना कौन सा होता है, क्योंकि खाना तो प्रॉपर ही होता है। अब हम जिनी से भी राय ले लें, क्योंकि मतलब बर्थडे कर लिया भैया। मैं भी प्रॉपर डाइनिंग करूंगी फ्रेंड, ये प्रॉपर डाइनिंग करेंगे। मुझे भी पता है, हम लोग स्टे के लिए नहीं आए, हम डाइनिंग के लिए आए हैं। तो चले कुछ खाने पीने, चलो खड़े हो जाओ। यहाँ पर आ गया है हमारा लवली लवली लंच। और जिनी एक बात, ये क्या चीज है? ये है गार्लिक ब्रेड विद मोज़रेला। ओ भाई, इसमें इन्होंने चीज बहुत सारी ऊपर भर दी है। और ये है स्पाइसी ब्रुशेट। हाँ, लेकिन एक कमाल है, इसमें मटर नहीं है। क्या बात है, क्या बात। पालक खा लेगी ध्वनी? मतलब तू कितना खुश है, मतलब कि यहाँ पे इसने सेइंग यस किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा, ये तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा ही खुश है। और इशना तुम बताओ अब। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा इसलिए खुश है क्योंकि उसका नहीं हुआ ना। फ्रेंड देखो, मतलब ये दोनों ही खुश हैं और मेरी हालत देखो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और मेरे से तो पूछोगे ही नहीं यार। नहीं फ्रेंड, मतलब देखो ये तीनों खुश हैं। मतलब ध्वनि थोड़ी थोड़ी खुश नहीं है ना? मैं आज ही खुश, मतलब कि मैं आज ही से ज्यादा खुश नहीं हूं और थोड़ी चिन्नू सी थोड़ी सी खुश है। चलो अब हम अपना मतलब लंच स्टार्ट करते हैं। जिनी, तो तेरे को अल्टीमेटली सही लगा अपना बर्थडे का पिज्जा? बढ़िया 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 बढ़िया। और इशना तुम्हारा क्या सीन है? मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। और ध्वनि तू? लेकिन मिर्ची बहुत है, मिर्ची बहुत है तेरी तरह। तो फ्रेंड फाइनली हमारा यहाँ पे आ गए डेजर्ट, और ये बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहा है। जिनी, अब तू भी मेरी एक यस करके बात मान ले, ये बहुत यम्मी यम्मी लग रहा है, तू मत खाई से। ओ मैं तो खाऊंगी। ध्वनि, तेरे को ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और गरम। फ्रेंड ये बहुत अच्छा और बहुत गर्म है। फ्रेंड हमने ना ये इसीलिए मंगाया था क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो हम बच्चों को पिला नहीं सकते क्योंकि विंटर्स आ गई है। और एशना एक बात, तुमने टेस्ट कर लिया, कैसा है? अमेजिंग फ्रेंड्स, सीरियसली अमेजिंग है, मजा आ गया, मजा आया। फ्रेंड्स हम लोग हैं पिज़्ज़ा एक्सप्रेस पे, और अब मॉल का नाम जरा गेस करके बताओ, हमें कमेंट करो कि हम कौन से मॉल में हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारा गेमिंग वाला भी देख लिया अभी तक, और लंच वाला भी देख लिया है, और बहुत सारे आउटलेट देख लिए हैं। तो जिनी एक काम करें, हम इस चैलेंज को यहीं पे खत्म करें। इस चैलेंज को यहीं खत्म करें? और क्या, ऐसा नहीं हो सकता, अभी बहुत एंजॉय करना है। हो अभी और एंजॉय करना है, अभी और एंजॉय करना है, और बहुत सारे एंजॉय करना है। एंजॉय है, ये भी तो बहुत एंजॉय है। यही कह रही हूँ कि अभी तक तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया है, पर अभी और एंजॉय करना है। फ्रेंड मतलब ये भी कोई बात है, मतलब एशना तुम इसको समझाओ कि मतलब अब हमें यहाँ पे इसको बंद करना चाहिए, अब हमें घर जाना चाहिए, ऑलरेडी लेट हो गया है। अभी व्हाट डू यू हैव टू से पापा? यस बोलना पड़ेगा ना। फ्रेंड चलो फटाफट लंच करते हैं और बाहर जाके जरा सी खबर लेते हैं कि मतलब अब हमें ये कहाँ और लेके जाने वाली है। तो फटाफट से हम फिनिश करते हैं, तो फिर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जगह पे। तो जिनी मतलब तू हमें यहाँ पे ले जाने के लिए बात कह रही थी, लेकिन जिनी तू तो बड़ी हो गई है, मतलब अब तू टॉयज का क्या करेगी? पर टॉयज ना टॉयज होते हैं, चाहे बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे। ध्वनि आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? अच्छा आप जीरो काटा खेलने की सोच रहे हो यहाँ पे, हैं? ये तो गजब है। जिनी आप भी खेल के देखो कैसा लग रहा है। यस रेनबो बना रही हूँ, मैं रेनबो बना रही है। रेनबो के कलर्स पता है तेरे को? हाँ, विप क्योर। विप क्योर की फुल फॉर्म बताइए जरा। वायलेट, इंडिगो, और फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। कमाल, स्टाइल वाली चीजों पे क्यों रुक जाती है? स्टाइल क्योंकि मेरे को नेल को अपने स्टाइल करना है। तेरे तो नेल, फ्रेंड्स ये देखो इसके कोई नेल अभी स्टाइलिश है? अगर नेल स्टाइल देखना, तू नेल्स अपने घर पे उतार के आई है? अच्छा
गाड़ी में एक खो गया था तो मैंने मम्मी के पर्स में रख दिया। अच्छा फ्रेंड्स, लेकिन ना मतलब जीनी से ज्यादा धोनी को नेल्स का शौक है, तो जीनी काम करना, तू धोनी के रिटर्न गिफ्ट के लिए नेल्स की कोई चीज ले ले। जीनी तो मतलब धोनी को कुछ रिटर्न गिफ्ट देगी या नहीं देगी? एक गिफ्ट इसको दिला देंगे, बट वो सेइंग यस में पापा ही पे करेंगे उसको, मैं अपनी पॉकेट मनी से नहीं देने वाली। फ्रेंड्स ये तो मतलब गजब हो गया, सेइंग यस का इतना गलत फायदा। रिटर्न गिफ्ट मैं ही दूंगी, आज आपको अच्छे से चूना लगाने वाली है, तो मेरे हिसाब से अब मेरी हंसी सुनो, अब ये स्टॉप कर दो। नहीं तो बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा ये चैलेंज। फ्रेंड मतलब अब जीनी को भी मजा आ रहा है, धोनी को भी आ रहा है, मम्मी को भी, और मेरी यहाँ बैंड बजी भी है। चलो तुम जल्दी अपना अपना कुछ देखो और फिर यहाँ से निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है। फ्रेंड फाइनली मैं इनको मतलब समझा बुझा के ले आया हूँ कि यहाँ पे टॉयज बहुत महंगे मिलते हैं। तो जीनी मतलब तेरे को कैसा लगा? मुझे मजा आया चैलेंज। फ्रेंड इसको मजा आया कि मतलब टॉयज नहीं दिलवाए, देखो कितना मजा आ रहा है, अच्छा लगा रहा है। देखो मैं टॉयज दिलवा, एक्चुअली मैं ये बात थी जो वहाँ पे टॉयज थे ना वो सारे हमारे पास घर में रखे हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ध्वनि तू बता तेरे को मतलब टॉयज कुछ पसंद आए जो पापा ने नहीं दिलाए? नहीं ना, कोई भी पसंद नहीं आया टॉयज? यस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्योंकि हमें प्राइस तो देखना पड़ेगा ना कि मतलब इतना महंगा क्यों टॉय दिलवाएं, क्योंकि ये तो से यस टू जीनी था, से यस टू जीनी, और से यस टू धनी हो तो पता नहीं हमारा क्या करेगी। इतनी सारी डॉल्स लेने वाली हूँ ना, आपको परेशान कर दूंगी, ये हमको परेशान कर देगी, तो हमें फिर डॉल म्यूजियम जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमें डॉल म्यूजियम जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं पोटैटो ट्विस्टर, पोटैटो ट्विस्टर, तो सब लोग खाने के लिए रेडी हो? तो चलो अब हम इसको ऑर्डर करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गया हमारा पोटैटो ट्विस्टर। तो फ्रेंड ये ना मतलब हमारा फेवरेट है, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है ये खाने में। और फ्रेंड अब हम सोच रहे हैं इस वीडियो को, इस चैलेंज को यहीं पे खत्म कर दें। तो जीनी अब तो यस बोल दें। चलो ठीक है। तो फ्रेंड वी होप आपको इस चैलेंज में बहुत बहुत मजा आया होगा। इतने सारे कमेंट आने शुरू हो गए हैं जीनी को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।